इस वक्त की एक बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। चतारी पुलिस की 25,000 के इनामी डकैत के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ इनामी अफसल उर्फ सिंघानिया। गिरफ्तार हुए डकैत का बताया जा रहा है लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास। डकैती के मुकदमे कोतवाली शिकारपुर में वंचित चल रहा था इनामी डकैत। मुखबिर की सूचना पर छतारी पुलिस की अनाज मंडी के पास हुई है मुठभेड़। आप देख रहे हैं बुलंदशहर, ब्यूरो रिपोर्ट। आज थाना छतारी पुलिस द्वारा सुबह गश्त और चेकिंग की जा रही थी। 3 गश्त के दौरान अनाज मंडी के पास उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई पड़ा। पुलिस के द्वारा इन्हें रोका गया तो उसने पुलिस की पार्टी पर फायर कर दिया और भाग खड़ा हुआ, जिस पर पुलिस ने पीछा किया गया तो वो उसने छुप कर पुलिस से बचने के लिए छुपा, और जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको ये कहा गया कि वो सरेंडर कर दे, भागे ना, तो उसने पुनः पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाब में आज सुरक्षा पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और क्रॉस फायरिंग में उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। वह 25,000 का रिवार्डेड क्रिमिनल है, जिसकी शिनाख्त पीसो सिंघानिया के रूप में हुई है और जो विभिन्न मुकदमों में वांछित है, और उस पर लगभग 1 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज हैं। हमारी जांच पड़ताल और छानबीन अन्य जारी है और अग्रिम कार्रवाई इसमें जो विधिक आवश्यक है वो की जा रही है।